अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई हैं। एएमयू के प्रोफेसर उमर सलीम पीर ज़ादा ने जानकारी दी है इस बात की, जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो एएमयू से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, परीक्षाएं जो है वो स्थगित करनी पड़ी हैं। जिस तरह के हालात एमयू के भीतर भी बन रहे थे, एमयू यूनिवर्सिटी खुलने के बाद से लोगों ने यहाँ पे जो छात्र हैं वो मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ कहीं ना कहीं वाइस चांसलर के खिलाफ और सीए के विरोध में यहाँ छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि जो परीक्षाएं होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है, जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सब कुछ अगर ठीक रहा एमयू के भीतर तो उसके बाद ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई हैं। प्रोफेसर उमर सलीम ने इस बात की पीआरओ ने माफ कीजिएगा कि उमर सलीम ने इस बात की जानकारी दी है, जल्द ही परीक्षाएं जो है नई तारीख पर जब होंगी इसका ऐलान किया जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है एमयू के भीतर वो हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार सीए और एनआरसी को लेकर छात्र जो है विरोध कर रहे हैं। प्रमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जिस तरह के हालात एमयू के भीतर बने हुए हैं, छात्र लगातार जो है मानव श्रृंखला बनाकर या फिर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, इसे देखते हुए कहीं ना कहीं परीक्षा स्थगित की गई है? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी को लेकर अलीगढ़ जो इंतजामिया एएमयू वाइस चांसलर है, उन्होंने एक नया फैसला लिया। उन्होंने सीधे तौर पर जो परीक्षाएं होनी थी छात्रों की उन्हें स्थगित कर दिया, यानी परीक्षाओं की अभी डेट सामने नहीं आई है, मगर फिलहाल जो परीक्षाएं उन्हें रोक दिया गया है। यानी अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र विरोध कर रहे हैं और उसके बाद अब परीक्षाओं की डेट कब आती है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तीन चरणों में खुलनी थी, पहला चरण 13 था, दूसरा 18 था। हालांकि यूनिवर्सिटी खुल गई, खुलने के बाद पहले हम जो यूनिवर्सिटी खुली है वो मेडिकल्स और मेडिकल्स के अलावा जो स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटी के तमाम इंटरमीडिएट तक बहुत सारे स्कूल खोले गए थे, मगर जैसे ही जो विरोध सामने लगातार छात्र कर रहे थे उसको देखते हुए फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने फैसला लिया है कि फिलहाल परीक्षाएं कैंपस में नहीं होगी। और इसका सीधे तौर पर इसका मतलब ही सिर्फ यह है, जिस तरीके से लगातार छात्र छात्राएं कैंपस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वाइस चांसलर ने यह फैसला लिया है। जी सर साहब, चलिए प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।